हेलो गाइस, फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। रेडमी नोट 5 प्रो के लिए एंड्रॉयड 12 का नई रोम का लेटेस्ट बिल्ड आ चुका है। इसमें आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसका वर्जन वगैरह दिखा लेता हूँ, कौन सी रोम है। बोट फोन में ले जाकर यहाँ पर आप देख सकते हो, अपन नीचे जाएंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड 12 देख सकते हो। एंड्रॉयड 12 का आपको इसमें वर्जन देखने को मिल जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आप सेंटर में करोगे वो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 12 का वर्जन देखने को मिलता है। यार सेट इन वाली घड़ी का कांटा, ये देख सकते हो। इस तरह का आपको इतना मुश्किल से एंड्रॉयड 12 का वर्जन इसमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको इसमें सिक्योरिटी पैच कौन सा देखने को मिलता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो लेटेस्ट आपको इसमें सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता था जो 5 नवंबर का है 2021, ठीक है, जो लेटेस्ट है। और आप कर्नल देख सकते हो, इसमें मिनरल का कर्नल है जो अच्छा है। कर्नल भी इसमें पहले दूसरा था, अब इसमें दूसरा कर दिया। रोम का नाम आप देख सकते हो, एक्सटेंड वर्जन है, ऑप्स एक्सटेंड, ठीक है, V9.0 अनऑफिशियल, ठीक है। तो ये इसका नाम वगैरह है। और आपको इसमें क्रोम ब्राउजर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और आपको मैं दिखा लेता हूँ और इसमें आपको क्या कुछ नया फीचर्स देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके कंट्रोल सेंटर की, आपको दिखा लूँ मैं। तो यहाँ पे आप कंट्रोल सेंटर आप देखो इस तरह क्लिक करोगे, यहाँ पे एडवांस मोड भी आपको देखने को मिल जाता है, जो आप सिस्टम UI रिकवरी में डायरेक्ट यहाँ से बूट कर सकते हो। और बूट लोडर पे भी आप यहाँ से डायरेक्ट मूव कर सकते हो। तो इस तरह का आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको मैं दिखा लेता हूँ और इसमें क्या क्या कुछ आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है। कंट्रोल सेंटर दिखाऊँ तो इस तरह का आपको इसमें कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको पावर बटन और यहाँ पर आप सेटिंग में जा सकते हो। यहाँ से डायरेक्ट आप देख सकते हो, यहाँ से सेटिंग इसकी खुल जाती है। उसके बाद में मैं आपको इसमें और दिखा लेता हूँ और इसमें आपको सेटिंग में ले जाकर क्या क्या नया फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी एप्स और ये मिल जाता है। और जो इसकी सेटिंग वगैरह है यहाँ पर ले जाकर देखा हूँ, तो यहाँ पर आपको बैटरी के रिगार्डिंग सेटिंग मिल जाती है। बैटरी स्टाइल्स वगैरह चेंज कर सकते हो और बैटरी परसेंटेज यहाँ से आप इनेबल वगैरह हाइड वगैरह कर सकते हो। बैटरी बाहर लोकेशन भी चेंज कर सकते हो, राइट लेफ्ट और सेंटर में। उसके बाद में आपको यहाँ पर क्लॉक सेटिंग मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सुबह ड्रैप फ्रॉम का वो किया था, उसके जैसे ही इसमें आपको देखने को मिल जाता है सब कुछ फीचर। स्टेटस बार आइटम में आपको सब कुछ मिल जाता है, जो इसको आप अलाउ करके पावर मेन्यू पे एक्सेस करके सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रैफिक इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। आपको शोर रो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप इसकी ओबेसिटी वगैरह एक्टिविटी कर सकते हो। इसको आप स्टेटस बार के ऊपर भी लगा सकते हो, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। तो इस तरह का आपको इसमें मिल जाता है। नीचे आप देख सकते हो केजल लेवल वगैरह मिल जाता है, जो लोकेशन वगैरह आप चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी आपको इसमें देख सकते हो अलग ही सेटिंग मिलती है, 4G आइकन वगैरह, रोमिंग इंडिकेटर, स्मॉल मोबाइल टाइप आइकन, इस तरह का भी आपको मिल जाता है। और स्टेटस बार का और ब्राइटनेस कंट्रोल भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आपको नीचे एक सेटिंग मिलती है जो मैंने दिखाया अभी, तो ठीक है, तो ये आपको इसमें मिल जाता है। उसके बाद में आप नेक्स्ट जाओगे नोटिफिकेशन और क्विक सेटिंग मिल जाती है। नोटिफिकेशन में जाओगे तो आप सब कुछ नोटिफिकेशन का वाइब्रेट वगैरह जो भी है यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद में क्विक सेटिंग मिलती है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे स्मार्ट वाइब्रेशन वगैरह, ये रनिंग सर्विस वगैरह, बैटरी के रिगार्डिंग वगैरह हो गया, बैटरी ब्राइटनेस हो गया, ये सब कुछ आप में इसमें देखने को मिले। और एनिमेशन स्टाइल भी आपको इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि आप फ्लिप और रोटेट। और उसके बाद में डिफ़ॉल्ट पे जाओगे, यहाँ पे आपको लो फास्ट और ये सब कुछ मिल जाती है आपको इसमें देखने का, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे नीचे क्विक सेटिंग के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखा लेता हूँ, नीचे आपको यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक फीचर मिलता है जो शो ब्राइटनेस स्लाइडर, ठीक है। तो ये भी आपको कंट्रोल सेंटर पे चाहिए तो आप यहाँ से इसको इनेबल कर सकते हो, तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर्स है। यहाँ पे आपको नेविगेशन बार मिल जाता है, सिस्टम नेविगेशन बार यहाँ से चलाओ कर सकते हो। आपको 3 बटन चाहिए तो 3 बटन यहाँ से इनेबल कर सकते हो, 2 बटन चाहिए तो आप यहाँ से 2 बटन इनेबल कर सकते हो, और फुल स्क्रीन जैसे चाहिए तो फुल जैसे यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप देखो 3 बटन नेविगेशन, यहाँ पे आप करोगे तो 3 बटन नहीं आ रहा क्योंकि इसमें एक बक्स है, तो आप इसमें 2 बटन और ये गेस्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। तो छोटे मोटे इसमें बक्स आते रहते हैं, जो भी कस्टम रोम वगैरह आती है, कह रहे हो तो आपको पता ही है। और यहाँ पे आप नीचे जाओगे गेस्चर्स के ऊपर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वन हैंड मोड वगैरह, आपको ये सब कुछ छोटे मोटे फीचर्स इसमें दिए गए। तो फीचर्स तो सारे देते हैं, लेकिन कोई कोई फीचर्स में इसमें बक्स आ गया। जैसे आप स्क्रीन लॉक स्क्रीन का शॉर्टकट बना सकते हो, लॉक स्क्रीन UI भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हो। जैसे कि आपको नीचे देख सकते हो यहाँ पे म्यूजिक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जो आप इसको देख सकते हो इनेबल वगैरह करके म्यूजिक का काफ़ी कस्टमाइज आप यहाँ पे सॉन्ग के रिगार्डिंग वगैरह कर सकते हो। और आगे नेक्स्ट में जाओगे, यहाँ पे आपको बताया था बैटरी का आ गया, आपको बैटरी चार्जिंग लाइट वगैरह हो गया, ठीक है। लो बैटरी आपको अगर चाहिए नोटिफिकेशन तो इनेबल कर सकते हो, ये सब कुछ आपको मिल जाता है यहाँ बैटरी के अंदर।
उसके बाद में आपको यहाँ पे बॉटम्स के अंदर बटन्स के अंदर जाओगे, पावर मेन्यू में आप सब कुछ इनेबल कर सकते हो अगर सब कुछ आपको चाहिए पावर बटन के ऊपर। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पावर बटन पर जैसे जैसे आप ऑन करोगे पावर बटन पर ये सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको शो कर लेंगे जितने भी आप ऑन करोगे। और म्यूजिक कंट्रोल मिल जाता है, वॉल्यूम रॉक कर भी मिल जाता है इसमें आपको, ठीक है। उसके बाद में आपको नीचे कस्टमाइजेशन पे जाओगे, यूज़ कस्टम कलर, ठीक है, कस्टम कलर भी आप इसमें इनेबल वगैरह कर सकते हो। उसके बाद में आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आपको जनरल, तो यहाँ पे आपको ऐप आइकन भी मिल जाता है, और नीचे आपको चार्जिंग एनिमेशन का भी ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि डिस्प्ले एनिमेशन विद द डिवाइस इन चार्ज प्लग, डिवाइस आप चार्जिंग में लगा रहे हो तो आपको एनिमेशन चाहिए चार्जिंग का, तो वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह का यहाँ पे सेटिंग मिलता है। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह का सब कुछ, ऐप्स नोटिफिकेशन हो गया, डिवाइस ऐप्स नोटिफिकेशन हो गया, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो वायरलेस एमरजेंसी हो गया, और नोटिफिकेशन लाइट इनहेंस नोटिफिकेशन, ये आपको इसमें मिल जाता है। यहाँ पे बैटरी के अंदर जाओगे तो बैटरी हेल्थ चेक कर सकते हो, बैटरी लेवल देख सकते हो, यहाँ से बैटरी सेवर लगा सकते हो, बैटरी मैनेजर वगैरह, ये सब कुछ आपको बैटरी के रिगार्डिंग यहाँ पे इसमें मिल जाता है। स्टोरेज में जाते हो आप, यहाँ पे स्टोरेज का देख सकते हो, फोटो वीडियो कितने आपके मेमोरी का मतलब स्पेस ले रखा है वो सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें क्या सब कुछ अलग ही फोल्डर बना रखा है। यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे इस तरह का लेआउट मिल देखने को मिल जाता है म्यूजिक वगैरह में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम वगैरह, ये सब कुछ आपको यहाँ पे इस तरह का लेआउट देखने को मिल जाता है। नीचे आप सब इसका टच साउंड हो गया, साउंड लॉक स्क्रीन साउंड डायल पैड, ये सब कुछ आप यहाँ से बंद इनेबल वगैरह कर सकते हो। डिस्प्ले में जाओगे लॉक स्क्रीन टाइम आउट भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से आपको डार्क मोड मिल जाता है, डार्क मोड आप इनेबल वगैरह कर सकते हो। नीचे आपको फोन साइज डिस्प्ले साइज ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है, जो आप नीचे सब कुछ मैनेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप जैसे वॉलपेपर स्टाइल्स में जाओगे तो यहाँ पे चेंज वॉलपेपर जाओगे, इसमें आपको वॉलपेपर तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ये एक वॉलपेपर देखने को मिलता है, यहाँ से आप मतलब चेंज कर सकते हो। और अगर डिवाइस के गैलरी से आपको पिक करना है तो यहाँ से आप पिक कर सकते हो वॉलपेपर वगैरह इसमें जाके, ठीक है। तो ये आपको इसमें फीचर्स देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो, बेसिक कलर चेंज कर सकते हो इसके, देख सकते हो इस तरह से, ठीक है। जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो इसमें, जैसे मैं आपको कहा कस्टमाइज भी आप यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद में ऐप ग्रेड भी आप चेंज कर सकते हो, ऐप्स के आपको आइकन किस तरह से चाहिए, जैसे कि आप जिस तरह मैं कर रहा हूँ चेंज हो रहा है, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए, उस तरह से आप इसको करके यहाँ से अप्लाई वगैरह कर सकते हो सेट करके। उसके बाद में नेक्स्ट फीचर्स आपको और क्या देखने को मिलता है, उसके अलावा मैं नेक्स्ट फीचर्स आपको दिखा लेता हूँ। यहाँ पे आप नीचे जाओगे एसेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिम लाइट चाहिए और टेक्स्ट चाहिए और डार्क थीम चाहिए, ये आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। ऑडियो का भी मिल जाता है इसमें आपको। यहाँ पर सिक्योरिटी में जाओगे, आपको यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक मिलता है, स्मार्ट लॉक मिलता है, इसमें आपको फेस लॉक देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ा आपको एक डिसएडवांटेज इसमें मिल जाता है कि इसमें आपको ये नहीं मिलता है। नीचे आप प्राइवेसी में जाओगे, लोकेशन वगैरह, सेफ्टी इमरजेंसी और पासवर्ड अकाउंट वगैरह, ये आपको सब कुछ इसमें मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे प्राइवेसी के अंदर, तो यहाँ से आप कैमरा एक्सेस वगैरह जो भी परमिशन दे रखी है ऐप्स को, तो उनको आप बंद कर सकते हो, और एड्स वगैरह को भी आप यहाँ से ऑन वगैरह बंद यहाँ से कर सकते हो, जो भी गूगल एड वगैरह आते हैं, ठीक है। आपको पता ही, यहाँ से आपको एमरजेंसी एक्सेस मिल जाता है, जो आप कार क्रैश डिटेक्ट जो सब कुछ है इसमें आप सेटिंग करके कर सकते हो। उसके बाद में डिजिटल वेल बिन का आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो शो डाटा पर आप जाओगे यहाँ पर तो आपको सब कुछ दिखाएगा, डिवाइस को दो बार लॉक किया अनलॉक किया और नोटिफिकेशन कितनी आई है आपके पास, ये सब कुछ आपको इसमें दिखा लेता है डिजिटल में। यहाँ पे आपको इसमें Xiaomi पार्ट्स मिल जाए, गूगल सर्विस मिलता है। Xiaomi पार्ट्स में क्या है ये, तो आप देख सकते हो इसमें म्यूजिक वगैरह का मज़ा ले सकते हो, तो वैसे ही आपको दिखा रहा है। एम्बिएंट डिस्प्ले गैसेस मिल जाता है, क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो इससे से अलाउ करोगे डस्ट वगैरह होती है स्पीकर में वो क्लियर हो जाती है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले कलर का भी आपको कैलिब्रेशन देखने को मिल जाता है, FPS इन्फो भी मिल जाता है, वाइब्रेट मिल जाता है, और इनेबल USB फास्ट चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नीचे जाओगे आपको यहाँ पे सेटिंग मिलती है, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, यहाँ से लाइव ट्रांसलेट कर सकते हो, गैसेस का जैसे बताया था वो भी आपको वापस यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है गैसेस बार का। उसके बाद में आप देखते हो यहाँ पे थ्री फिंगर का आपको स्क्रीन शॉट का भी ऑप्शन मिलता है, जैसे आप इसको इनेबल करो जो Xiaomi का फ़ोन में आता है इस तरह से करोगे ये, और ये आपका फिंगरप्रिंट इनेबल हो जाएगा। और नीचे चलते आपको यहाँ पर जैसे तो बैकअप ले सकते हो, यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो मेमोरी वगैरह जो भी है आपको बक्स रिपोर्ट भी आप यहाँ से दे सकते हो, किसमें बक्स वगैरह है तो उसका फीडबैक आप यहाँ से दे सकते हो, रनिंग सर्विस हो गया, शो CPU इन्फो वगैरह, और सिस्टम UI डेमो मोड, और US डेबगिंग, आपको ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत सारी सेटिंग मिलती है इस रोम में, जो भी एंड्रॉयड 12 की जो भी रोम आ रही है उसमें बहुत सारी सेटिंग आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो
वो एनिमेशन वगैरह आप जो भी करते हो, आपको पता ही है डेवलपर ऑप्शन में बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, वाईफाई हो गया, इरेज डाटा डाउनलोड और इरेज ऑल डाटा, फैक्ट्री रीसेट, ये सब कुछ आप यहाँ से इजीली मैनेज वगैरह कर सकते हो। तो अगर आपको इस रोम की लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा। अब आपको इसको मैं थोड़ा कैमरा भी दिखा लेता हूँ, तो कैमरा काफ़ी अच्छा मिलता है, ठीक है, शटर स्पीड काफ़ी फास्ट है, देख सकते हो आप जैसे क्लिक कर रहा हूँ एकदम अच्छे से क्लिक हो रहा है, फास्ट है शटर स्पीड। और इसकी पिक भी मैं आपको दिखा लेता हूँ, तो पिक आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी पिक है, बिल्कुल क्वालिटी बिल्कुल ख़राब नहीं हो रही फोटो वगैरह की। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो भी पिक है वो आपके सामने है, तो काफ़ी क्लियरिटी है। और इसमें यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, एडिट में आपको क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो आपको, ये भी मैं आपको दिखा लेता हूँ। तो आप यहाँ पर गोटेट के ऊपर क्लिक करोगे, आप देख सकते हो इनहेंच हो गया, वार्म हो गया, कूल हो गया। तो इसमें आपको बहुत सारे इसका कलर चेंज कर सकते हो यहाँ से आप करके, अगर आपको डार्क चाहिए, लाइट चाहिए, यहाँ से क्रॉप कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे इसमें आपको जैसे एम आई ओ एम मिलते हैं उस तरह के आपको इसमें भी बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। कलर कॉन्ट्रास्ट आप चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप देख सकते हो बहुत सारे, यहाँ से आप जाओगे नीचे ऑटो वगैरह पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इस तरीके से। तो आप इनको सिंपल सी अप्लाई करके फोटो को एडिट वगैरह कर सकते हो, यहाँ से शेव कॉपी कर सकते हो, तो इस तरह के आपको इसमें फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कैमरा आप भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है कैमरे वगैरह की। और यहाँ पे आप इसको मैं दिखाता हूँ जूम वगैरह करके भी, आप देख सकते हो अच्छे से काम कर रहा है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम वगैरह नहीं हुई। यहाँ से आपको पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है, जो आप पोर्ट्रेट की फ़ोटो भी ले सकते हो, जैसे मैं एक क्लिक करके दिखा लेता हूँ इसे आपको, ठीक है। तो आप देख सकते हो मतलब पोर्ट्रेट में क्या जो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्ट होना चाहिए तो उसको ब्लर कर सके, तो काफ़ी अच्छा है कैमरा। अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हो तो, अगर आपने ओरेंज फॉक्स रिकवरी यूज़ करते हो या टी डब्ल्यू आर या फिश ब्लैक, तो इसके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।